फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। आज की मंगल वेला पे, सुबह सुबह पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने प्यारे सभी छात्रों का। उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। ये अलग बात है कि ये वीडियो आप किस समय देख रहे होंगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तो सुबह के समय में ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरा अभिवादन आप सबों के प्रति गुड मॉर्निंग ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने सभी कार्यों को करते हुए हल्के हल्के बहुत ही प्यारे ढंग से अपना पढ़ाई भी जारी रख रहे होंगे छात्रगण, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष से वैकेंसियाँ खत्म हो गई। वैकेंसी निश्चित रूप से आएंगी, बहुत सारी वैकेंसी एक साथ आएंगी, इसलिए पढ़ाई को कभी भी ढीला नहीं करिएगा। उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चों ने एनटीपीसी की परीक्षाएं भरी थी वो दिसंबर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के प्रति बहुत बहुत सजग होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आइए आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के बिल्कुल नए टॉपिक पर, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों जगहों पर इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसी की विस्तृत चर्चाएं आपके साथ में करेंगे छात्रगण। कहानी है रैंकिंग टेस्ट की, पूरी कहानी चलती है रैंकिंग टेस्ट की, क्रम परीक्षण का कैसे चलता है, क्या चलता है, इसी की बातें करेंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन कहता है, अरुण अशोक से लंबा है, केवल क्वेश्चन समझ लीजिए कैसा रहेगा, जो ललन से छोटा है, पारस नरेश से लंबा है परंतु अशोक से छोटा है, ललन अरुण से छोटा है, सबसे लंबा कौन है। कई लोग का सिंक्रोनाइजेशन, कई लोग एक साथ अपनी कहानी कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझसे छोटा हो, वो बड़ा है, वो छोटा है, इसके आधार पर प्रश्न का निर्माण होता है। आपको बस इसमें एक ही चीज केवल ध्यान में रखना है और वो है इस ग्रेटर देन का सिंबल। ये बड़ा का साइन है, ये साइन किसका है, बड़ा का। इस बड़े के साइन को आपको बस केवल याद रखना है। यहां पे बड़ा का साइन कैसे होता है, तो बड़ा का साइन इस प्रकार का होता है, ये साइन आपको केवल याद रखना है। बड़ा का साइन याद रखने से आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको प्राप्त होने वाला है, जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो यही है कि क्वेश्चन बहुत आसान आपके हो जाएंगे। हम आपको दो दो मेथड बना देंगे, जो अच्छा लगे आप वो काम कीजिएगा, ठीक है ना। आइए तो रैंकिंग टेस्ट के इस पड़ाव पर आपका स्वागत करते हैं छात्रगण। इस परीक्षण में आप देखिएगा एकाद क्वेश्चन जो टाइप वन चल रहा है मेरा, टाइप टू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप वन में आप देखेंगे क्या कि एकाद ऐसे इसमें क्वेश्चन का जो सेटअप राउंड है, जो प्रश्न मेरा सेट है, वो इस प्रकार का सेटअप है कि प्रश्न कहता है आपको एक में देगा हाइट के आधार पर, एक में देगा उम्र के आधार पर, वो शहर हो सकता है, गांव हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, ऑलवेज एक ही क्वेश्चन में आपको हाइट के आधार पर भी क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा और उम्र के आधार पर भी रहेगा। वहां पर आपको बहुत विशेष रूप से आपको काम करने की आवश्यकता होगी। हाइट और उम्र दोनों दिया रहेगा तो दो अरेंजमेंट्स आप करेंगे, एक हाइट के अनुसार, एक उम्र के अनुसार। आइए अब ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको सिखाते हैं, दो मेथड आपको बताते हैं। यह सबसे पहले फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड, जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे, जिसमें समय आपको बचत हो, उससे आप काम कर सकते हैं। मैं पहले मेथड का प्रयोग करूंगा आपको बताने के क्रम में, आपको सेकेंड मेथड अच्छा लगे तो आप बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए, अरुण अशोक से लंबा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है अरुण अशोक से लंबा है, आपको खाली बस इतना ध्यान रखना कि हमेशा बड़ा का साइन पुटअप करना है। अगर क्वेश्चन रहता कि अशोक अरुण से लंबा है, अशोक जो है अरुण से छोटा है, तो अरुण को हम बड़ा करके अशोक को छोटा कर देते हैं। दो साइन को यू, बस एक ही साइन याद कर लीजिए कि हमको किसी भी स्थिति में बड़ा बता देना है। क्वेश्चन तो डायरेक्टली लिख रहा है कि अरुण अशोक से लंबा है, अरुण अशोक से लंबा है, जो ललन से छोटा है। मैंने पहले ही बताया कि रीजनिंग जैसे विषयों में यदि वाक्य जो या जिसका से जुड़ा रहे तो हमेशा बाद वाले के बारे में बात किया जाता है। यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है, अशोक के बारे में बात करें तो अशोक ललन से छोटा है, यानी अशोक बड़ा हो गया ललन से। अशोक जो है अशोक से लंबा है, जो ललन से छोटा है। ओहो सॉरी, गलत हो गया ना, अरुण अशोक से लंबा है, जो ललन से छोटा है, यानी कि ललन पहले आ गया ना अब, यानी कि ये दो रिलेशन अब यहाँ पर नहीं बैठा सकते थे। अब मेरा ये इक्वेशन वन हो गया, इक्वेशन टू हो गया, ललन जो है वो बड़ा है किससे, अशोक से। ये इक्वेशन नंबर टू क्रिएट हो गया। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम देखे ललन को यहाँ बीच में नहीं घुसा सकते थे। क्यों नहीं बीच में घुसा सकते थे, क्योंकि सर अरुण और ललन का रिलेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो कैसे बीचों में घुसा दीजिएगा। बस समझ में आ गया अच्छी तरह से। आगे, पारस नरेश से लंबा है, फिर अब मेरा अलग, पारस जो है
पारस जो है वो नरेश से क्या है, पारस नरेश से लंबा है। इक्वेशन नंबर थर्ड क्रिएट हो गया यहाँ पर, पारस नरेश से लंबा है परंतु अशोक से छोटा है। देखिए अब यहाँ मिलेगा पारस जो है वो नरेश से लंबा है परंतु अशोक से छोटा है, यानी कि अशोक इसके पहले आ गया, आ गया। अशोक से पहले कौन आ गया, ललन आ गया, ललन आ गया, ठीक है ना। बस ललन अरुण से छोटा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बता दिया, ललन जो है वो अरुण से छोटा है, ललन जो है वो अरुण से क्या है, छोटा है। बन गया मेरा क्वेश्चन। अब देखिए इतना इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस तमाम इक्वेशन को हमने इस आधार पर पहले अरेंज कर लिया, अरेंजमेंट आपने देखा मैंने कैसे किया है। अब सबको इन सभी इक्वेशन को एक साथ इक्वेट कर दीजिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा देख लीजिए, अरुण और अशोक का दिया हुआ था लेकिन अशोक के साथ फिर पारस, अशोक के पहले ललन आ गया है और ललन के पहले क्या आया है, अरुण। तो सबसे पहले इक्वेशन कौन हो गया मेरा, अरुण, अरुण एकदम बोर्ड में देखिएगा, अरुण बड़ा है किससे, ललन से। फिर देखिए ललन बड़ा है अशोक, इक्वेशन नंबर तीन, ललन बड़ा है अशोक से, ललन किससे बड़ा है, अशोक से। अशोक बड़ा है किससे, पारस से, पारस लिख लीजिए। पारस बड़ा है किससे, नरेश से। देख लिए, तो कहानी आप देख सकते हैं छात्रगण की, एक दो तीन चार पांच आपका यहां पर क्या हो गया, अरेंज हो गया। अर्थात हम इस फर्स्ट मेथड के आधार पर यह कल्पना और यह कंसेप्ट पर निकल करके हम बाहर आ गए कि अरुण, ललन, अशोक, पारस और नरेश ये सभी आपस में क्या हो गया, बैठ गया, पांच ही दोस्त था। अब क्वेश्चन जो भी पूछता है पूछने दीजिए, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो गया, अरुण हो गया। तो देख लीजिए कितने आसान तरीके से छात्रगण ऐसे प्रश्नों का हम सब जवाब दे पाने में कामयाब हो जाते हैं। जरूरत यही है कि बस एक सिंबल पकड़ करके आप चलेंगे हर एक स्थिति में। आपको मैंने कई बार कहा है कि इन एवरी एस्पेक्ट्स आपको वन सिंबल पकड़ करके चलना है और वो सिंबल होगा मेरा ग्रेटर देन का। तो इसे अच्छी तरह से दिमाग में रखने पर ये आपको बहुत बहुत पे करने जा रहा है। आइए जस्ट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नहीं इसका सेकंड मेथड आपको बताते हैं। अगर आपको ये मेथड लगे कि नहीं सर हमको थोड़ा सा अकबकाहट लग रहा है, तो आपको सलाह दी जाती है छात्रगण कि आप सेकंड मेथड का यूज करें। सेकंड मेथड का कंसेप्ट क्या होगा, ऊपर और नीचे, जो ज्यादा ऊपर रहे, जो ज्यादा लंबा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो कम लंबा रहेगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अरुण अशोक से लंबा है, अरुण अशोक से लंबा है, जाहिर बात है अगर ये बेस है तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, इस तरह से अरेंज कीजिएगा। अरुण जो है, अरुण लंबा है इसलिए ऊपर रहेगा, जो छोटा है उसको नीचे रखेंगे। जो ललन से छोटा है, कौन ललन से छोटा है, कौन ललन से छोटा है, अशोक। तो इसके साथ तो यहाँ घुसा नहीं सकते, तो फिर लिख लेंगे जो ललन से छोटा है, यानी कि ललन जो है बड़ा है और अशोक क्या है, छोटा है, ठीक है ना। हो गया यहां तक में, पारस नरेश से लंबा है, इन लोग से कोई रिलेशन नहीं है, अलग से लिख लेंगे। पारस जो है वो किसे लंबा है, नरेश से लंबा है, पारस को नरेश से लंबा कर दिए परंतु अशोक से छोटा है। पारस जो है वो नरेश से लंबा है परंतु अशोक से छोटा है, अशोक को ऊपर ले लेंगे, ठीक है ना। आगे फिर और क्या होता है, ललन अरुण से छोटा है, अब एक और हमको ले लेंगे, ललन जो है वो अरुण से छोटा है, ओ सॉरी अरुण ऊपर हो गया ना, ललन जो है वो अरुण से क्या है, छोटा है, ये भी खत्म हो गया। ललन जो है वो अरुण से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है, इसको पहले अरेंज कर लीजिए। देख लीजिए सबसे पहले क्या आ रहा है, अरुण आ रहा है, अरुण तो मेरा शुरू से ही दिया हुआ था तो अरुण आ रहा है, अरुण ले लीजिए। अरुण के बाद कौन आ रहा है मेरा, ललन आ रहा है। ललन के बाद मेरा कौन आ रहा है, अशोक आ रहा है। अशोक के बाद मेरा कौन आ रहा है, पारस आ रहा है। पारस के बाद मेरा कौन आ रहा है, नरेश आ रहा है। हो तो गया दो दो चार एक पांच, सबसे लंबा कौन हो गया, अरुण हो गया। तो छात्रगण ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको ग्रेटर देन का साइन बहुत पसंद नहीं आ रहा है, कि नहीं सर मुझे मजा नहीं आ रहा है ग्रेटर देन के साइन में, आपको सलाह दी जाती है कि इस ग्रेटर देन के साइन को एकदम त्याग दीजिए वहीं पर, और ऊपर से नीचे जो अरेंजमेंट्स होता है उसके आधार पर आप अरेंजमेंट्स कर दीजिए। बात समझ में आ गया अच्छी तरह से। आइए अब आगे क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं और कई क्वेश्चन आपको इस चैप्टर पर प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। एक ही बेस होगा और वो बेस होगा दिस ग्रेटर देन साइन का, है ना। स्वागत है आगे की क्लासेस में। छात्रगण अगले पड़ाव पर हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आप सबों के लिए आए हैं। सोनू मोनू से नाटा है, जैसे बोलता है जैसे आपको मन होगा, दोनों मेथड बता दिए हैं, जो मन होगा आप करिएगा। सोनू मोनू से नाटा है, यानी मोनू लंबा हो गया तो मोनू को कर देंगे सोनू से पहले, ठीक है। इक्वेशन पहला क्रिएट हो गया। मंटू सोनू से लंबा है, यहां अटैच नहीं कर सकते थे चूंकि अलग दे दिया है। मंटू सोनू से लंबा है, मंटू सोनू से लंबा है, इक्वेशन दो क्रिएट कर लिए, ठीक है।
करना मोनू से लंबा है लेकिन हेम्ब्रम से नाटा है, करना मोनू से लंबा है, अब यहां कर लेंगे, करना है मोनू से पहले कर लेंगे, करना मोनू से लंबा है लेकिन हेम्ब्रम से नाटा है, यानी इसके पहले हेम्ब्रम होगा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा से एकदम ग्रेटर देन का साइन प्रयोग करते हुए चले जाइएगा, आराम से अरेंज कर लीजिएगा एकदम। मोनू मंटू से लंबा है, मोनू जो है वो मंटू से लंबा है, माने मंटू के पहले मोनू हो जाएगा, क्लियर हो गया? मोनू मंटू से लंबा है। यदि इन सबको ऊंचाई के क्रम में कतार में खड़ा किया जाए तो इनमें से कतार के मध्य में कौन होगा? आप देख लीजिए, मेरे पास सारा कहानी एकदम क्लियर हो गया है। मंटू के पहले मोनू आएगा और सोनू के पहले मंटू आएगा, तो सोनू के पहले मंटू और मंटू के पहले मोनू मेरा अरेंज है, आप देख लीजिए। ठीक, देखिए कितना अच्छा रिलेशन निकलता है, मोनू और मंटू का रिलेशन दिया हुआ है, मोनू बड़ा है किस मंटू से, तो हम चुपचाप से एकदम मंटू को यहां पर क्या करेंगे, घुसा देंगे पहला इक्वेशन में। लीजिए तैयार कर देते हैं, पहला हो गया हेम्ब्रम, सबसे लंबा हो गया हेम्ब्रम, उसके बाद हो गया करना, उसके बाद हो गया मोनू, मोनू मोनू के बाद हो गया मंटू, और मंटू के बाद हो गया मेरा कौन, सोनू। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है? तो हेम्ब्रम, करना, मोनू, मंटू और सोनू, ये 5 जो है अरेंज हो गए। यदि इन सबों को ऊंचाई के क्रम में कतार में खड़ा किया जाए तो इनमें से कतार के मध्य में कौन होगा, तो कतार के मध्य में कौन होगा, मोनू। सो द करेक्ट आंसर इज मोनू। तो छतगन, आपने देखा कि कितना जबरदस्त तरीके से, कितना बिंदास तरीके से आपने इन तमाम चीजों को समझने का प्रयास किया है, और बहुत ही मजे तरीके से आपका आप इसके आंसर जान पाने में कामयाब हो जा रहे हैं। बस जरा सा केवल अरेंजमेंट्स करना है और एक ही सिंबल पकड़ करके चलना है, आंसर आप तुरंत से निकाल लेंगे। आइए कई क्वेश्चन आपको करवाते हैं, वैसे क्वेश्चन की ओर आपको लेकर के चलते हैं जहां पर दोनों विकल्प मेरा जो है दिया हुआ रहेगा, कई क्वेश्चन करवाते हैं। आइए आगे की ओर लेकर चलते हैं। छात्र प्रश्न कह रहा है, यदि शिशिर चारु से लंबा है, शिशिर जो है वो चारु से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, कौन? शिशिर राजू से क्या है? नाटा है, ठीक ना? तो इतना काम कर सकते थे, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, कौन? चारु, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, ये बराबर दिलीप हो गया, जितना कि दिलीप, किंतु अशोक से लंबा है। ये किससे लंबा है? अशोक से लंबा है, अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अशोक होगा, सेटअप तो मेरा हो गया। ऑप्शन देखते हैं, अशोक क्या दिया हुआ? पहला देता है शिशिर से नाटा, शिशिर से नाटा। अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान में रखना चाहिए, यदि शिशिर चारू से लंबा है, शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, लेकिन राजू से नाटा है, ओके, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, यानी कि ये जो बोल रहा है, लेकिन राजू से नाटा है और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, यानी कि चारू जो है उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, किंतु अशोक से लंबा है, किंतु अशोक से यह क्या है? लंबा है, कौन? दिलीप। अर्थात चारू बराबर दिलीप, दिलीप दिलीप इज ग्रेटर देन अशोक, और अशोक बराबर भी चारू हो सकता है, क्योंकि दोनों को बराबर किया है ना। क्वेश्चन को अच्छा समझ ले, बोल पे घबराइए मत, क्वेश्चन का शब्द थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पकड़े हुए है, उसे घबराना नहीं है। तो यदि शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, किंतु अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा। अब यही क्वेश्चन यहां पर निकल करके होगा कि अशोक होगा, अशोक क्या होगा, इसकी बातें हम लोग यहां से कर लेंगे फटाक से, ठीक है ना? अब देखिए, पहला ऑप्शन करता है शिशिर से नाटा, पहला ऑप्शन दे रहा है बुक से, आंसर दे रहा है शिशिर से, शिशिर से नाटा। अब आप पहले ऑप्शन को देख लीजिए कि क्या अशोक शिशिर से नाटा होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि यदि चारी बराबर दिलीप और दिलीप बड़ा है अशोक से, तो अशोक तो छोटा हो गया दिलीप से,
अच्छा, अशोक और चारू बराबर एज के हो जाएंगे, बराबर लंबाई के हो जाएंगे, चूंकि चारू शिशिर से छोटा है तो अशोक भी शिशिर से क्या होगा, नाटा होगा, तो आगे का ऑप्शन लिखने का कहीं जरूरत ही नहीं है। सो करेक्ट आंसर कौन हो गया, नंबर पहला, शिशिर से नाटा, क्लियर हो गया ना। तो क्वेश्चन का पैटर्न को अच्छा तरह से समझना होता है छात्रगण, और समझना करके यहाँ पे या कर लीजिए, ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, अशोक या चारू दोनों हो सकता है ना, चूंकि वहां पे देखिए, लेकिन राजू से नाटार उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप किंतु अशोक से लंबा है, तो अशोक या चारू हो सकता है दिलीप के साथ में, क्योंकि चारू बराबर क्या कर दिया है, दिलीप कर दिया है। ओके, तो छात्रगण ध्यान देंगे ऐसे प्रश्नों पर और बहुत अच्छा से बनाएंगे। अब आपको एक ऐसे क्वेश्चन के पड़ाव पर लेकर के हम जाना चाहते हैं छात्रगण, जहां पर आपको दोनों अर्थात उम्र के आधार पर भी और हाइट के आधार पर भी दोनों दोनों एक ही क्वेश्चन में समाहित रहेगा। आइए वैसे क्वेश्चन पर एक जम के प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि आपका बहुत बहुत अच्छी तरह से इस सारे क्वेश्चनों पे कंसेप्ट निकल करके आ जाए। छतगन, अगले प्रश्न पर आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन अपने आप में दो मायने लेकर के रखेगा, एक ही क्वेश्चन है, इसमें दो पड़ाव हैं, एक उम्र के आधार पर सजाएं हैं और एक एज के आधार पर। देखिए दोनों कहानी, अब कैसे आप इसको पकड़ेंगे, वो तो कहानी है ए बी सी डी और पांच दोस्त हैं, उसे मतलब नहीं है। बी ई से बड़ा है पर वसी जितना लंबा नहीं है। देख लीजिए दो वर्ड है, एक है बड़ा और एक है आपका लंबा। तो जब बड़ा और लंबा की हम बात करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि बड़ा यानी एज के आधार पर लिया गया है प्रश्न, और एक लिया गया है आपको हाइट के आधार पर। तो बस आपको दो यहाँ पे इक्वेशन तैयार करना है, एक है आपको तैयार करना पड़ेगा उम्र के आधार पर, उम्र के आधार पर, और दूसरा आपको तैयार करना पड़ेगा लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर। एक पड़ाव आपको उम्र के आधार पर पास करना पड़ेगा और एक पड़ाव होगा जो वो है आपको लंबाई के आधार पर पार करना होगा। आइए देखते हैं कैसे कहानी चलेगा। उम्र के आधार पर बी ई से बड़ा है, बी इसे बड़ा है, कर दिया अपना काम, बड़ा वाला ले गया, पर वह सी जितना लंबा नहीं है। किसके बारे में, सी के बारे में, यानी सी लंबा है किस से, ई से, बी ई से बड़ा है पर वह सी जितना लंबा नहीं है, यानी कि सी लंबा है किस से, बी से। सी ए से उम्र में कम है, कहीं नहीं हटा सकते थे, सी ए से उम्र में कम है, यानी कि ए का उम्र ज्यादा है सी से, सी ए से उम्र में कम है और डी एवं ई से लंबा है। अच्छा, सी जो है डी और ई से लंबा है, यानी सी जो है वो डी और ई दोनों से क्या है, लंबा है। यहां तक कहानी खत्म हो गया। ए डी से लंबा है, ए जो है वो डी से लंबा है, ए जो है वो डी से लंबा हो गया, ए को लंबा कर दीजिए डी से, ए डी से लंबा है पर ई से उम्र में कम है, पर ई से उम्र में कम है, यानी ए डी से लंबा है पर ई से उम्र में कम है, यानी ए के पहले ई आ गया, ये तो क्लियर हो गया, पर ई से उम्र में कम है। डी ए से बड़ा है, डी जो है वो ए से बड़ा है, डी जो है वो ए से बड़ा है, डी ए से बड़ा है पर समूह में सबसे नाटा है। ओके, यानी कि अगर इसको अरेंज किया जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो डी सबसे लास्ट में आएगा। एक मिनट, वही नहीं नहीं सॉरी, वहां कहाँ चले गए, डी ए से बड़ा है, ओहो हाइट के आधार पर है ना, पर समूह में सबसे नाटा है, यहां बोल जा रहा है अगर इसको अरेंज करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे तो डी का स्थान सबसे लास्ट में आएगा। ओके, समूह में सबसे नाटा है, डी ए से बड़ा है पर समूह में सबसे नाटा है। और तो कुछ नहीं है मेरे पास में, यही पांच क्वेश्चन पांच ऑप्शंस दिया हुआ था मेरे पास में, सबको एक बार फिर से मिला लेते हैं। बी ई से बड़ा है, बी जो है ई से बड़ा है पर वह सी जितना लंबा नहीं है, पर वह सी जितना लंबा नहीं है, ये नहीं हो पाया, पर वहां बी ई से बड़ा है, एक पहला ले लिए बी ई से बड़ा है पर वह सी जितना लंबा नहीं है, अर्थात सी लंबा है किससे, बी से, पहला खत्म हो गया। सी ए से उम्र में कम है, सी जो है वो ए से उम्र में कम ले लिए हैं, ए इज ग्रेटर देन सी, और डी एवं ई से लंबा है, और डी एवं ई से लंबा है, सी जो है डी और ई से लंबा है, ए डी से लंबा है, ए जो है डी से लंबा है पर ई से उम्र में कम है, पर ई से उम्र में कम है,
ठीक है ना। देखो ए डी से लंबा है पर ई से उम्र में कम है, ई से उम्र में कौन हो गया, यानी एक से पहले ई आ गया, ये तो तय हो गया। डी ए से बड़ा है, डी को बड़ा कर दिए हैं ए से, पर समूह में सबसे नाटा टांटा कर दिए। अब देखिए, अब अगर हम इसको अरेंज करें तो आप देख पाइएगा क्या कि देखिए आप तो यहाँ पर इसको ये अरेंजमेंट ले सकते थे, बी इज ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी, ये लिया जा सकता था। ओके क्योंकि यहाँ पहला इक्वेशन बी और ई का दिया हुआ था और ये दिया हुआ। अब देखिए डी और ए जो है तो डी के ए के पहले डी आएगा, ए के पहले डी आएगा, लेकिन सी के साथ डी का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतना अरेंजमेंट के बाद डी का अरेंजमेंट हमारा क्वेश्चनास्पद रह गया, मतलब डी की जो सेटअप कंसेप्ट थी वो डी को सेट कर पाने में हम कामयाब नहीं। ठीक लंबाई के आधार पर हम चलते हैं छात्र, तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए एक मैक्सिमम आप लीजिएगा सी इज ग्रेटर देन बी है, बस उसके बाद ना तो सी ए के पहले डी दिया हुआ है, यहां आप ए ले सकते हैं लेकिन ए और सी का रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसमें तो और भी कुछ आप नहीं कर सकते थे, तो सेम का सेम रिलेशन रहने दीजिए और सीधे सीधे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है ना। आप देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि इस तरह के पड़ाव क्वेश्चन में बहुत बहुत होते हैं छात्रगण, चाहे आप एनडीए की परीक्षा दें सीडीएस की परीक्षा दें, सभी जगहों पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि ऐसे प्रश्नों पर जो आपको अप्रोच हो वो अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बिना पॉजिटिव अप्रोच के आप ऐसे प्रश्नों पर अच्छा नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव अप्रोच करने का मतलब जबरदस्ती वाला काम मत कीजिए, किसी नहीं सर डी यहाँ घुसा देंगे, कैसे डी घुसा, जिसके साथ जो रिलेशन दिया हुआ सबसे पहले उसको ढूंढ करके निकालिए कि इसके साथ इसका क्या रिलेशन है और उसी के अकॉर्डिंगली अपना काम करना है। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। तो फिर पहला क्वेश्चन कहता है बी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए बी सबसे लंबा नहीं है, ऑब्वियसली बी सबसे लंबा नहीं है, और सी सबसे लंबा, अगर होगा भी तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा सी, कंफर्म तो हम नहीं कर सकते, तो कौन सा कथन सत्य, तो पहला तो एकदम सत्य हो गया। आगे कहता बी ए से नाटा है। देखिए बी ए से नाटा नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में पहले ही कहा है कि सी सबसे लंबा है, प्रश्नकार सी के बाद बी मेरा निकल रहा है, इसलिए ये गलत हो गया, यानी एकदम इसमें से पहला निकल गया कि बी सबसे लंबा नहीं है, ये सही कह रहा है कथन। नेक्स्ट है निम्न से कौन से युग्म डी से बड़ा है। अब डी से बड़ा होने के लिए बताइए आप निकाल सकते हैं कि डी से कौन बड़ा है, जो स्थिति वहां देख रहे हैं उसके आधार पर उम्र के आधार पर चले जाइए, चूंकि बड़ा पूछ रहा है तो क्या स्थिति है कि हम सब निकाल पाएंगे, जी बिल्कुल नहीं है, इसलिए आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर तीन पे आएंगे कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है। अब देखिए इनमें से कौन सबसे बड़ा है का बात करेंगे तो देखिए वहां रिजल्ट आ रहा है कि बी ही सबसे बड़ा होगा, ये तो एकदम तय है कि बी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि डी जब भी सेट होगा तो ए या सी के बाद सेट होगा, अर्थात बी सबसे बड़ा होगा, ये एकदम से निकल रहा है ना। बहुत बढ़िया से ध्यान से पढ़िए बनाइए क्वेश्चन। यदि उनके बीच में चुनाव किया जाना हो तो ऐसा कौन होगा जो कि उनमें अपेक्षितया सबसे बड़ा भी हो और सबसे लंबा भी हो। तो देखिए सबसे बड़ा तो मेरा बी निकल गया, लंबाई पे शुरू करेंगे तो सी और बी लगभग एक जैसा होगा, सी का यहाँ दूर दूर तक स्थान नहीं है, तो अपेक्षाकृत मतलब रिस्पेक्टेबिलिटी में कहिए तो हमको लगता है कि बी जो है, लगना क्या है मतलब बी जो है वो सबसे बड़ा भी होगा और अपेक्षाकृत वो सबसे लंबा भी होगा। तो छात्रगण इस प्रश्न के पड़ाव पर आपने देखा कि किस प्रकार से एक ही प्रश्न में उम्र के अनुसार पर और हाइट के अनुसार पर प्रश्न का स्तर सेट होता है। हमें इन आधारों पर बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए रहना चाहिए, आगे की ओर चलते रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न बहुत बहुत पसंद आए होंगे और बहुत ही मनोयोग से आपने इन तमाम प्रश्नों को हल किया होगा। उम्मीद करते हैं कि रैंकिंग टेस्ट पर भी आपकी टाइप नंबर वन पर कमांड हुई होगी। कल इसी टाइप का बेस पे एक और क्वेश्चन करवा देंगे ताकि उम्र और हाइट पर आप कंफ्यूजन ना करें। आपको बस एक ही पड़ाव पे काम करना है कि दो इक्वेशन क्रिएट करना है, एक करिएगा उम्र के आधार पर, एक करिएगा लंबाई के आधार पर। तो आज की क्लास हम सब यहीं पर समाप्त करेंगे इस मंगल कामना के साथ कि आप सब खूब पढ़िए, कहीं भी रहिए, मजे में रहिए। खुदा हाफिज़, सबक है, बाय।